असल ऑफिशियल पर खुश आमदीदाज बात करेंगे फितौर के एपिसोड नंबर फोर के प्रमो के बारे में आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जब दिलनिशीन हमजा को फ़ोन करके बताती है तो वो कहता है कि मैं अपने घर बात करूँगा तुम फिक्र मत करो जब वो अगले दिन अपने माँ बाप से बात करता है तो वो मना कर देती है उसकी माँ भी और उसका बबू कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे वहीं पर हमजा जो है वो गुस्से में घर छोड़ कर चला जाता है वहीं दूसरी तरफ जब हमजा दिबनिशेर को फ़ोन पर ये बात बताता है तो उसकी माँ जो है दिब्नशीन की वो ये सब कुछ सुन लेती है और उससे जो है वो फ़ोन खींच लेती है और कहती है कि मुझे आप थोड़े दिन की मोहलत मोहल्लत देती दे लेकिन वो नहीं मानती वहीं पे दूसरी तरफ जो है हमजा शाम तक घर नहीं आता तो उसकी माँ हमजा की माँ उसके बाप को फ़ोन करके कहती है कि हमजा घर नहीं आया तो जब वो देखता है तो हमजा की कार जो है समंदर के किनारे खड़ी होती है और उसमें हमजा खुद भी नहीं होता तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो दिल नशीन के घर चले जाते हैं जब वो दिल नशीन के घर जाते हैं तो वो समझती है कि शायद वो रिश्ता लेकर आए हैं जब वो ख़ुशी खुशी, -खुशी वहाँ जाती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा बेज़त करते हैं और उसके भाई को भी और उसके माँ बाप को भी वहाँ पर जब वो वहाँ से उसका भाई उनको जाने के लिए कह देता है कि आप यहाँ से अब चले जाएँ तो वो उनको बुरा बुरा सुना कर वहाँ से चले जाते हैं और जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो उसका भाई जो है दिल नशीन को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे किस तरह से जो हमजा के माँ बाप हैं वो दिल नशीन के घर पुलिस वाले भेज देते हैं और उसके जिन जो वो हैं वो उन लोगों को दिल नशीन को और उसके भाई को पुलिस थाने में ले जाती है और दिलनशीन की भाभी दिलनशीन को ये कहती है कि जब जाओ तो मुँह छुपा के जाना हमारी बहुत बदनामी होगी तो वो थाने में बिठाकर दिल नशीन और उसके भाई को वहाँ पे पुलिस वाला मैसेजेस पड़ता है और वहाँ पे वो बहुत गुस्से में उसको उसके आगे हाथ जोड़ कर ये कहता है कि आपको जो करना है मेरे साथ करें हमारी इज्जत को ऐसे ख़राब मत करें तो जब वो वापस घर आते हैं तो उसका भाई है उसका हाथ पकड़ के उसको पहले एक थप्पड़ लगाता है और फिर उसको घर से बाहर निकालता है उसको कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगी यहाँ से तुम चली जाओ अब आने वाले एपिसोड में मजीद क्या होगा आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए जोर दीजिएगा